नमस्कार, आज हम आपको वैरिस्टर के बारे में बताएंगे। वैरिस्टर क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, वीआई कर्व क्या है इसका, सर्च ट्रांजिएंट वोल्टेज कैसे आता है और इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं और कनेक्शन डायग्राम। ये वैरिस्टर का सिंबल है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक दो एक दो, और ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जब वोल्टेज ट्रांजिएंट आते हैं तो उससे इक्विपमेंट को या डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। वोल्टेज ट्रांजिएंट्स को सर्च ट्रांजिएंट भी बोलते हैं। अब सर्च वोल्टेज ट्रांजिएंट होता क्या है, ये हमने 230 वोल्ट की एक साइकिल की वेव शेप दिखाई है जिसका आरएमएस वैल्यू है 230 वोल्ट। अब यहाँ पे ओवर वोल्टेज दो तरह से आ सकता है, एक तो ये कि 230 का 260 हो जाए, आरएमएस वैल्यू ही बढ़ जाए तो इसकी जगह ऐसा हो जाएगा, हर जगह वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। दूसरा क्या है कि थोड़ी देर के लिए बहुत हाई वोल्टेज आ जाए, शॉर्ट टाइम के लिए, और ये वोल्टेज किलो वोल्ट में होता है, 2 किलो वोल्ट, 3 किलो वोल्ट, 4 किलो वोल्ट। यहाँ पे भी देखिए तो एक ही साइकिल में हमने दो बार दिखाया है, एक बार भी आ सकता है। तो ये जो वोल्टेज आता है बहुत हाई वोल्टेज थोड़ी देर के लिए, उसको बोलते हैं सर्च वोल्टेज ट्रांजिएंट, और ये नॉर्मल ओवर वोल्टेज है। जो वैरिस्टर है वो हमारे इक्विपमेंट को इससे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो इससे प्रोटेक्ट करेगा। जो वैरिस्टर है वो इसको ख़त्म करता है, इसको लिमिट करता है, ठीक है। और जब हम वैरिस्टर लगाएंगे यहाँ पर भी ये पूरा ख़त्म नहीं करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा, यहाँ की बजाय यहाँ तक आएगा, ये क्लिप कर देगा, इसी प्रकार इधर भी। तो दोनों साइड में जो वैरिस्टर है उसका कितना वोल्टेज है उस हिसाब से इस किलो वोल्ट को कम कर देता है। अगर ये 5 किलो वोल्ट है तो 600-700 वोल्ट पीक हो जाएगा ऐसे यहाँ पर, लेकिन कम कर देने के बाद आपका इक्विपमेंट फेल नहीं होगा, थोड़ी सी पल्स अभी भी आती रहेगी। तो सर ट्रांजिएंट को लिमिट करने के लिए वैरिस्टर प्रयोग में लाते हैं, ओवर वोल्टेज के लिए नहीं करते यूज उसका। अब जो ये वैरिस्टर है ये नॉर्मल वोल्टेज कंडीशन में कोई करंट ड्रा नहीं करता, बहुत ही कम करंट इसमें फ्लो होती है, लीकेज करंट। ये करंट तब ड्रा करता है जब हाई वोल्टेज आ जाए और ये ऑपरेट हो। जब सर्ज आती है तो ये बहुत हाई करंट और एनर्जी को हैंडल कर सकता है, देखिए ट्रांजिएंट के समय मैंने लिखा है। फिर ये बहुत फास्ट होता है और ये बहुत सारे वोल्टेज और एनर्जी की रेटिंग में मिलता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। इस वैरिस्टर की ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वोल्टेज ये करंट। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैरिस्टर के क्रॉस, करंट नहीं बढ़ रही, करंट बहुत कम है, करीब करीब 0 के बराबर। एक पॉइंट आने के बाद वोल्टेज लिमिट होने लगता है और करंट बढ़ने लगती है, इसी प्रकार नेगेटिव साइड में भी। तो ये प्लस में और माइनस में दोनों साइड में प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने सिंपल सा दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में आपको दिखाते हैं। देखिए ये पोर्शन यहाँ पर हमने एक्सपेंड करके दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे हमने वैरिस्टर के कनेक्शन डायग्राम दिखाए हैं, ये घर के लिए, ये इंडस्ट्री के लिए। घरों में आप लाइन और न्यूट्रल के बीच में वैरिस्टर लगा सकते हैं, ऐसे एक वैरिस्टर काफ़ी है। इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगाते हैं, एक लाइन और अर्थ के बीच में, एक न्यूट्रल और अर्थ के बीच में। यह सिंगल फेज का है।
अब हम थ्री फेज का आपको दिखाते हैं। ये वैरिस्टर का कनेक्शन डायग्राम थ्री फेज के लिए है, इंडस्ट्री के लिए। एक लगा दिया हमने आर और अर्थ के बीच में, दूसरा लगा दिया वाई और अर्थ के बीच में, और तीसरा लगा दिया हमने ब्लू और अर्थ के बीच में। इस तरह तीन लगा दिए। ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं जो हम यहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे। ये एक्सटेंशन बोर्ड के लिए सॉकेट और टू पिन स्विच है। मैं इसको आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनकमर वायर है, इससे रेड एक स्विच को जा रहा है, और स्विच के बाद इस सॉकेट के लाइन को जा रहा है, और ये ब्लैक वाला वायर इसके न्यूट्रल को जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी अगर स्विच ऑन कर दें तो। और यहाँ पर हमने ये वैरिस्टर लगा रखा है, ये मैंने सोल्डर नहीं किया है, बस यहाँ पर लगा करके होल में ये स्क्रू टाइट कर दिए हैं। और जब आप इसको इस बोर्ड में लगाएंगे तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। देखिए वैरिस्टर को आप पास से देखिए, यहाँ पे लिखा है 275/20। 275 इसकी रेटिंग है एसी वोल्टेज, और 20 क्या है, 20 mm इसका डाया है। देखिए ऊपर हमने स्केल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस वैरिस्टर का डाया 20 mm है। तो ये डाया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी ये ले सकता है। आप 20 mm से छोटे साइज का वैरिस्टर ना लगाएं। देखिए इसका सर्किट डायग्राम हमने यहाँ दिखाया है, ये रेड लाइन वायर है, फिर ये स्विच है, उसके बाद ये इस सॉकेट के एल में जा रहा है, और न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है, और इसके बीच में हमने वैरिस्टर लगा रखा है। अब ऐसा तब है जब यहाँ पे एक है सॉकेट, मान लीजिए ज़्यादा हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो भी एक काफ़ी है, बशर्ते इन सब का स्विच कॉमन हो। यहाँ पे वैरिस्टर हमने लाइन और न्यूट्रल के बीच में शुरू में लगा दिया है, और ये स्विच यहाँ लगा है, और ये एक सॉकेट है, दूसरा सॉकेट ये है, इसका भी स्विच अलग है, और तीसरा सॉकेट ये है, इसका भी स्विच अलग है। मतलब इसमें तीन सॉकेट हैं, एक दो तीन, तीनों के स्विच अलग अलग हैं। उस केस में आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो एक ही वैरिस्टर काम करेगा। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि घरों में ये सर्ज ट्रांजिएंट हाई वोल्टेज कैसे आ जाता है। देखिए ये एसी सप्लाई है, ये स्विच है, और कोई ये मोटर चल रही है, वॉशिंग मशीन या कोई और मोटर, और यहाँ पे हमने वैरिस्टर लगा रखा है, और ये पीसी है, पीसी भी ऑन है और मोटर भी ऑन है, तो करंट इसमें ऐसे बह रही है, या तो ऐसे या ऐसे। हम मान लीजिए ये स्विच किसी वजह से ओपन हो गया, तो हम स्विच ओपन कर देते हैं, ओपन हो गया। अब चूंकि मोटर में इंडक्टर होता है, तो जो इसमें करंट बह रही थी जब ये स्विच ऑन था, वो करंट तुरंत जीरो नहीं होती, तो करंट कहाँ जाएगी, वो इधर जाने लगेगी, उसकी वजह से यहाँ पे हाई वोल्टेज सर्ज आ जाएगी। अगर यहाँ पे वैरिस्टर नहीं लगा है तो यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज स्पाइक आएगा, और इस पीसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये अर्थ है, और ये लाइन वायर है, और ये बादल हैं, क्लाउड। हम मान लीजिए इन दो बादलों के बीच में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम लोग कहते हैं ना बिजली चमकी या बिजली गिरी, तो इन दोनों के बीच में ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ करंट बहती है, जब करंट बहेगी तो उस करंट के चारों ओर एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा,
और ये करंट बहुत ज़्यादा होती है तो ये फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। ये फ्लक्स इस लाइन वायर को भी क्रॉस करेगा और जब लाइन वायर है और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज पैदा हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज पैदा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग सर्ज, और यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे उनमें प्रॉब्लम आएगी, इसको बोलते हैं लाइटनिंग इम्पल्स जब इसकी वजह से यहाँ सर्ज आए तो, और जब यहाँ पे जनरेट होगी तो यहाँ भी स्पाइक आएगा, वोल्टेज स्पाइक, और यहाँ पर भी आएगा, इस लाइन पे जितने लगे होंगे सब में प्रॉब्लम आएगी। ये जो सर्ज वोल्टेज ट्रांजिएंट है जिसको वैरिस्टर लिमिट करता है तो उस ट्रांजिएंट का वेव शेप करीब ऐसा होता है, ये वोल्टेज है और ये टाइम है, तो शुरू में वोल्टेज बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूरेशन कुछ माइक्रो सेकेंड से लेकर के मिली सेकेंड तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ से आ रहा है, और ये वोल्टेज पीक किलो वोल्ट में हो सकता है। तो ये ट्रांजिएंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैंडम ट्रांजिएंट, मतलब कभी कभी आ गए, जैसे बिजली कड़की तो एक बार ट्रांजिएंट आ गया। दूसरे होते हैं रिपीटेबल ट्रांजिएंट जो बार बार आते हैं। अब मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। अब एक बार आने वाले रैंडम ट्रांजिएंट जो एक बार आता है वो किस कारण से हो सकता है, लाइटनिंग, जैसे अभी हमने बताया बिजली कड़की, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो सकती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आप कॉलेज में हैं और लैब है और टेबल पे कोई मॉस्फेट रखा है और आप टेबल के बगल से गुजरे या आपने कोई अपना बैग उठाया तो पास में चलने से या बैग में उठाने से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से हाई वोल्टेज आ जाता है मॉस्फेट में और वो मॉस्फेट फेल हो जाता है। आजकल जो मॉस्फेट आते हैं उनमें प्रोटेक्शन अंदर लगा होता है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको जो मॉस्फेट हैं टेबल पे ऐसे कभी रखा ना छोड़ें, उसको उसके केस में रखें या सर्किट में रखें। मॉस्फेट के साथ जब टेबल में काम करते हैं तो जो भी व्यक्ति हैंडल करता है उस व्यक्ति की बॉडी को अर्थ कर देती हैं जिससे मॉस्फेट फेल ना हो। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं हमको कि पास से गुजर रहा है और मॉस्फेट फेल हो गया, मगर ये सत्य है। अब रिपीटेबल ट्रांजिएंट ये कैसे आते हैं, मोटर की स्विचिंग करने से। हम मोटर बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं तो बार बार वो आता रहता है, जनरेटर ऑन ऑफ करने से, ट्रांसफार्मर ऑन ऑफ करने से, रिले ऑन ऑफ करने से या इंडक्टर ऑन ऑफ करने से। जिस किसी सर्किट में इंडक्टर होगा उसको आप स्विच करेंगे तो हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट आएगी। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।